अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात जी, अभी ना थोड़ी देर पहले ना ये हमारी मिठन है टूटू की बीवी, और टूटू वो देखें वो सामने से देख रहा है मेरा बेटा परेशान हुआ हुआ है। सारे बच्चे ही परेशान हुए हुए हैं इस टाइम, क्योंकि ये हमारी मिठन अभी डर के तो पंखे में बजी है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसकी सिर्फ दुम कट गई है इसकी सारी पंखे से, और शुक्र है कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं लग रहा कुछ नहीं, लेकिन पाँव शाँव में लगता है कोई चोट लगी है क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा होके चल रही है, और हम सब की अभी जान निकल गई थी। मिठन ठीक हो? ठीक हो? डर डर ज़्यादा गई है ये ना, बाकी तो शुक्र अल्लाह का ना कहीं से ब्लीडिंग हुई है ना कहीं वैसे फ्रैक्चर लग रहा है, क्योंकि अगर फ्रैक्चर हो तो ये चीखें मारती मैं पकड़ती तो, इतने चीखें चूखें कोई नहीं मारी है, आराम से बस सदमे में ही है इस वक्त। हम सब टांगे कांपनी शुरू हो गई हम सब की। टूटू वो देखें उड़ के साथ कमरे में चला गया, वहाँ दरवाजे के पीछे से बार बार देख रहा है वो, देखें वो मेरा बेटा भी परेशान हुआ हुआ कि हुआ क्या है मिठन के साथ। अभी मेरे कंधे पे बैठ के तो प्यार प्यूर करके तो अभी ऊपर गई है, जब ऊपर चढ़ गई है तो मैंने ना पर्दा साइड पे किया है कि पर्दा हटा दूँ तो बाहर से हवा आए, और पर्दा ही साइड पे किया तो डर के इसने छलांग मारी है और पंखे में जाके बजी है, और हम सब की जान निकल गई इस वक्त तो। ठीक है मिथन, कुछ भी नहीं हुआ, और शुक्र अल्लाह का बचत हो गई है नहीं। और हाँ, इस वजह से मैं कहूँगी आप इनके पर ज़रूर काटा करें, प्लीज़ टाइमली काट लिया करें। हम आजकल मैं सोच रहे थे, अभी अम्मी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि लाओ इनके पर काटें, और मैं कह रही थी अच्छा अभी काट लेते हैं, तो बस ऐसे ही होता है कि ज़रा सी गफलत और आपके पर लगे जाते हैं। इस टाइम ये पिंजरों पर बैठती बूटती नहीं है, ये अपने ऊपर उधर बैठती होती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सदमे में आई हुई है, तो ये मैंने मुन्नू का हाथ में पकड़ लिया और मुन्नू के पिंजरे पे इसको बिठा दिया मैंने, और टूटू भी मेरा बेटा परेशान है, सारे परेशान हैं इस वक्त। ईदी को कोई मसला नहीं, ईदी आराम से अपनी दुनिया में सो रही है, और मुन्नू का मसला हो रहा है मेरे पिंजरे पे क्यों बिठा दिया इसको। बेटे वो आप ही अभी लग गई थी ना पंखे में लग गई थी, इसलिए वो डर गई है ना, इसलिए हमने इसको यूँ बिठा दिया। तो अपने बच्चों के पार टाइमली काट लिया करें, हफ्ते दो हफ्ते बाद इनके पार ठीक ठाक आ जाते हैं, ये उड़ना शुरू कर देते हैं, और बहुत एहतियात बहुत ख्याल करना पड़ता है। ये देखें पार मेरी बच्ची के गिरे हुए हैं ये, और वो सामने ये, अभी और पता नहीं कहाँ कहाँ गिरे हुए हैं। बस मेरा मुन्ना, बस अभी अभी आप ही चली जाती है फिर आप आते हैं, बस ये पापा दे दो। मुन्नू को इतना गुस्सा चढ़ा है कि मेरे पिता ने क्यों उसको बिठाया हुआ। बेटे आप ही गिर गई थी ना, आप ही को हई हुई है, मुझे लग रहा है कि इसकी ये टांग में ना, ये देखें जी ये अभी तक मुझे ये दो पर मिले हैं, बाकी तो वो बैठ के इधर उधर वो वहाँ बैठ के नीचे कितने सारे चले गए हैं, और ये देखें ये बेचारी का ये जड़ों से सारे पर टूटे हैं, और परों के साथ खून भी निकला है, ये जड़ों से पर टूट गए हैं मेरी बच्ची के, लेकिन शुक्र अल्लाह का वो हो नहीं हुआ, कोई हड्डी हुड्डी का फ्रैक्चर नहीं हुआ, ये बड़ा अल्लाह का करम हुआ है। और इसके साथ तो आई थिंक हाँ मेरी बच्ची सोनी, ये देखें पार के अंदर ये सारा खून है, जो काला रंग है ये सारा खून है, ये सारा बड़ी साबर है मेरी बच्ची सोनी। अभी ऊपर जाके बैठी हुई आराम से अपने पार्षद देख रही है, तकलीफ तो हुई होगी। ये देखें ये खून का लोथड़ा है। ओए टूटू ये कोई काम है करने वाले,
हैं? हर पुट्ठा काम मेरे बेटे से करा लो, बस इस बेटे से करा लो, इसको लाइमलाइट में ले आओ, लाइमलाइट में हैं। लाइमलाइट चाहिए मेरे बेटे को, क्या चाहिए? लाइमलाइट चाहिए है, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, लाइमलाइट ले लो मेरा बेटा, सोना सोना प्यार मेरा बुट्टा। Thank you.